प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 72वें स्वाधीनता दिवस को मनाने के लिए। इसलिए आज हम लेक्चर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ना सर्वे के बारे में बात करेंगे, ना मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम स्वाधीनता का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने तो हमें स्वाधीनता दे दी थी सन 1947 में, लेकिन क्या हम आज भी स्वाधीन हैं? और सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्वाधीन का मतलब क्या होता है। स्वाधीन माना जो स्व के अधीन है। स्व के अधीन कौन सी चीज़ हो सकती है? क्या हम सच्ची स्वाधीनता इसी चीज़ को समझेंगे कि हमारी जो भी इच्छा होगी हम उसको पूरा करें तो उसमें हमारी मनमर्जी चलेगी? नहीं, इच्छा को पूरी करने के लिए हम पूरी तरह से पराधीन हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए हमको किसी न किसी पर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? जैसे अभी मेरे को चाय पीने की इच्छा हुई, तो चाय पीने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा हम समझने की प्रयास करें। चाय पीने के लिए मेरे को दूध की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मैं दूध हूँ? अच्छा, चाय पीने के लिए मेरे को चाय की पत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मैं चाय की पत्ती हूँ? पानी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मैं पानी हूँ? तो ये स्व नहीं है। मतलब इसे साबित होता है चाय में, चाय पर है, पानी पर है और आपका चाय की पत्ती पर है। तो चाय की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे को पराधीन होना पड़ता है, पर के अधीन होना पड़ता है। अब अपन इसका थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं। अब मेरे को चाय नहीं पीनी है, अब मेरे को किस चीज़ की आवश्यकता है? मेरे को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ मेरा अपना निश्चय काम आता है कि मेरे को चाय नहीं पीना है। तो चाय की इच्छा का त्याग करना स्वाधीनता है, सच्ची स्वाधीनता। और किसी भी इच्छा का त्याग करना सच्ची स्वाधीनता है, और किसी को इच्छा को पूरा करना पूरी तरह से पराधीनता है। तो आज हम चाहें तो इस जो हमारी इच्छाओं की गुलामी है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए कबीरदास ने भी कहा है, चाह गई चिंता गई मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं वो है शाहों का शाह। अब विचार करें, शाहों का शाह कौन हो सकता है? जिस शाह के ऊपर और कोई शाह नहीं हो, यानी जिस राजा के ऊपर कोई राजा नहीं हो। मतलब सबका राजाओं का राजा एक ही हो सकता है, जो किसी की गुलामी में नहीं। तो आज हम सच्चे शहंशाह बनते हैं, हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और सच्ची स्वाधीनता का